हिमालय की वादियों में सैर करते हुए एक व्यक्ति को एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर वह व्यक्ति उस रहस्यमय आवाज का पीछा करता है और पहुंच जाता है एक गुफा में, जहां उसे एक दिव्य साधु दिखाई देते हैं और वहां प्रकट होता है एक दिव्य महल। दोस्तों, कौन था वह रहस्यमय साधु और उस साधु ने इस व्यक्ति को क्यों बुलाया और आखिर उस व्यक्ति का उस साधु के साथ क्या संबंध था? दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सके। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं हिमालय की वादियों में घटी उस घटना के बारे में, जिसने एक साधारण व्यक्ति को विश्व गुरु बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालय की पहाड़ियों में बनी उस गुफा में श्याम चरण की कहानी। दोस्तों, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ के कण कण में देवों का वास है और लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत को तो आप सभी जानते ही होंगे। दोस्तों, देवों की भूमि उत्तराखंड में रानीखेत नाम की एक जगह है, जो कि सुंदर वादियों के लिए जानी जाती है और जहां जाकर हर कोई प्रकृति से मिलता है। हमारी यह कहानी भी रानीखेत से जुड़ी हुई है। दोस्तों, रानीखेत में एक व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ घटित हुआ जिसने उस व्यक्ति के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि श्याम चरण लहरी थे। जी हाँ, वही श्याम चरण लहरी, जिन्हें पूरी दुनिया विश्व गुरु के नाम से जानती है। दोस्तों, लहरी महाशय 18वीं शताब्दी के उच्च कोटि के साधु थे, जिन्होंने सदग्रस्त के रूप में योग पूर्णता प्राप्त की थी और लोगों को अपने ज्ञान और अपने वचनों से संसारिक मोह और बंधनों से छुटकारा दिलाने का काम करते थे। दोस्तों, लहरी महाशय का जन्म उत्तर प्रदेश के बंगाल नदिया जिले में एक गाँव में हुआ था। ये ब्राह्मण परिवार से आते थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए लहरी महाशय को छोटी उम्र में ही सरकारी नौकरी करनी पड़ी थी। दोस्तों, लहरी महाशय आज से लगभग 150 साल पहले दानापुर में मिलिट्री में अकाउंटेंट की नौकरी करते थे। दोस्तों, अपने कार्यकाल में उनको अचानक एक दिन सूचना मिली कि उनका ट्रांसफर उत्तराखंड के रानीखेत में हो गया है। दोस्तों, उनको सूचना मिली कि उत्तराखंड में मिलिट्री का नया कैंप लागू किया जा रहा है, जिसके लिए लहरी महाशय का ट्रांसफर किया जा रहा है। दोस्तों, उस समय पहाड़ों में जाने के लिए मोटर व्हीकल नहीं हुआ करता था। लोगों को पैदल या घोड़े की सहायता से पहाड़ों पर जाना पड़ता था। इसीलिए लहरी महाशय भी अपने एक सहायक के साथ में घोड़ा और बग्गियों के साथ यात्रा करते हुए रानीखेत पहुंचे। इस दौरान दानापुर से रानीखेत तक पहुँचने के लिए 30 दिन का समय लगा, क्योंकि लहरी महाशय रानीखेत पहली बार गए थे तो ऑफिस खत्म होने के बाद उनके पास करने के लिए कुछ खास काम नहीं हुआ करता था। इसीलिए वह अपने फ्री टाइम में रानीखेत के सुंदर सुंदर वादियों में घूमने जाया करते थे। यहाँ आने से पहले लहरी महाशय ने यह भी सुना हुआ था कि यहाँ पहाड़ों में बड़े बड़े साधु संत महाराज तपस्या करते रहते हैं और यही वह रहते हैं, और इसीलिए लहरी महाशय साधुओं से मिलने की जिज्ञासा हुई और इसीलिए वह ज्यादा से ज्यादा अपना समय इन वादियों में बिताने लगे। एक बार लहरी महाशय सुंदर पहाड़ियों का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक उनको एक आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन जब दूसरी बार उन्हें आवाज सुनाई दी तो हैरान हो गए। उन्हें लगा कि जैसे कि वह आवाज उन्हें ही पुकार रही हो। लहरी महाशय ने अपना नाम सुनकर आवाज की ओर चलने लगे और वह द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गए। उस पर्वत पर एक गुफा थी और जैसे ही लहरी महाशय उस गुफा के अंदर गए तो उन्होंने एक दिव्य साधु को गुफा के अंदर देखा। लहरी महाशय यह सब देखकर हैरान रह गए। उस दिव्य साधु ने लहरी से कहा कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, और इतना कहकर साधु ने लहरी महाशय को गुफा में विश्राम करने के लिए कहा। लहरी महाशय यह सब देखकर हैरान थे। इतने में संत ने एक कोने में पड़े कम्बल की ओर इशारा करते हुए लहरी महाशय से पूछा कि क्या तुम्हें यह कम्बल याद है? लहरी महाशय ने उत्तर दिया, नहीं महाराज। फिर लहरी महाशय ने कहा कि अंधेरा होने वाला है और मुझे अंधेरा होने से पहले
यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस जाना है जहाँ बहुत सारा काम बाकी है। इस पर दिव्य संत ने जवाब दिया, ऑफिस तुम्हारे लिए नहीं है, ऑफिस यहाँ आया नहीं है, यहाँ लाया गया है तुम्हारे लिए। एक दिव्य संत के मुख से यह सब बात सुनकर लहरी महाशय चिंतित हो गए। कैसे संत उनका नाम जानते हैं और कैसे वह संत उनके लिए ऑफिस को यहाँ लाने की बात कर रहे हैं, और उस संत का उनके साथ क्या संबंध है, क्या वह पहले कभी मिले थे या उनसे कोई गलती हो गई है। ऐसे कई तमाम सवाल लहरी के मन में उठ रहे थे। इन सवालों के बीच में दिव्य संत ने लहरी महाशय को बताया कि तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, यह मेरी ही इच्छा शक्ति है कि तुम यहाँ बैठे हुए हो, और मैंने ही तुम्हारे अधिकारी के मन में यह डाला था कि लहरी महाशय का ट्रांसफर रानी खेत में कर दिया जाए, और इसके लिए ही रानी खेत में ये कैंप लगवाया गया है जो कि कभी यहाँ नहीं होता अगर वह साधु नहीं चाहता तो। साधु ने ही अधिकारी को रानी खेत में कैंप लगाने के लिए आगाह किया था, और यह उनकी इच्छा शक्ति ही है जिसके चलते लहरी महाशय रानी खेत पहुँचे, और इस सब के पीछे उस संत का सिर्फ एक उद्देश्य था, और वह था लहरी महाशय को अपने पास बुलाना। इतना कहते ही दिव्य संत ने लहरी महाशय के माथे पर अपना हाथ रख दिया। इसके बाद लहरी महाशय के पिछले जन्म की पूरी यादें एक एक करके ताजा होने लगी, और सब याद आ गया कि यह संत कोई और नहीं उनके पूर्व जन्म के गुरु महा अवतार बाबा हैं, जो कभी उन्हें शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, और उन्हें याद आया कि उन्होंने पिछले जन्म में इसी गुफा में उसी कम्बल पर बैठकर कई वर्षों तक तपस्या की थी। अपने पूर्व जन्म की सुंदर स्मृतियों को याद कर लहरी महाशय बेहद प्रसन्न हो गए, और उसी रात उस दिव्य संत ने लहरी महाशय के उनके पूर्व जन्म के बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी दिव्य और अलौकिक तप शक्ति से उन पहाड़ियों में एक रत्न से प्रकाशित महल का निर्माण कर दिया। दरअसल रत्न महल की इच्छा लहरी महाशय की पूर्व जन्म की इच्छाओं में से एक थी, और जैसे ही लहरी महाशय का उन रत्न से महल का मोह भंग हुआ तो महल अपने आप ही वहां से गायब हो गया। इसके बाद पूर्व जन्म का विद्वंत बताते हुए लहरी महाशय ने शक्ति प्राप्त की, और इसके बाद लहरी महाशय ने अगले 7 दिनों तक उसी गुफा में निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। यहाँ उस दिव्य साधु से जो दीक्षा का प्रकार प्राप्त हुआ उस क्रिया को प्रयोग कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि क्रिया योग की विधि सिर्फ दीक्षित साधुओं को ही होती है। यह विधि पूर्णता शास्त्रार्थ है और गीता उसकी कुंजी है। गीता में कर्म ज्ञान संग इत्यादि सभी योग हैं, और वह भी जिसमें धर्म और जाति के बंधन नहीं होते हैं। वह 7 दिनों की घोर तपस्या के बाद 8वें दिन लहरी महाशय ने बाबा जी के साथ में रहने की इच्छा प्रकट की और कहा कि वह जीवन भर बाबा जी के साथ में ही रहना चाहते हैं। इस पर दिव्य साधु ने कहा कि इस जन्म में तुम मेरे साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हें यहाँ बुलाया गया है तुम्हारे इस जन्म के उद्देश्य को बताने के लिए। तुम्हारे इस जन्म का उद्देश्य यहाँ के सामान्य लोगों में रहना है, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही सामान्य लोगों को शिक्षा दीक्षा देनी है। और उन्होंने यह भी बताया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी क्रिया योग के जरिए सामान्य मनुष्य ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। इसके साथ ही लहरी महाशय को बाबा जी ने यह आश्वासन दिया कि जब भी उन्हें बाबा जी की जरूरत पड़ेगी वह उन्हें पुकार सकते हैं और बाबा जी प्रकट हो जाएंगे। उनके जन्म का उद्देश्य सामान्य लोगों के बीच रहकर अपनी भूमिका निभानी है। गृहस्थ जीवन में रहकर उन्हें लोगों को दीक्षा देनी होगी। क्रिया योग के माध्यम से इंसान गृहस्थ जीवन में रहकर भी ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। बाबा जी से शिक्षा लेने के बाद लहरी महाशय गुफा से बाहर आ गए और आर्मी कैंप का कार्यालय था वहाँ जाने लगे। इस पर वहाँ मौजूद उनके सहकर्मियों के चेहरे खिल उठे क्योंकि उन्हें लगा था कि इन पहाड़ियों में लहरी महाशय कहीं खो गए हैं, और फिर लहरी महाशय को बताया कि उनका ट्रांसफर यहाँ गलती से हो गया है, बल्कि उनकी बजाय किसी और का ट्रांसफर होना था।
इस पर लहरी महाशय ने अपने सहकर्मियों की ओर मुस्कुरा कर देखा और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सन 1880 में लहरी महाशय ने अपनी पेंशन लेकर अपने पूरे परिवार के साथ काशी आ गए और यहां आकर उन्होंने अपने परिवार और समस्त लोगों को क्रिया योग सिखाना आरंभ कर दिया। इनकी गीता की आध्यात्मिक व्याख्या विशेष स्थान पर है। इन्होंने वेदांत संख्या विशेषज्ञ योग दर्शन और अनेक संगीताओं की व्याख्या भी प्रकाशित की है। इनकी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गृहस्थ में रहकर भी इंसान अपने योग अभ्यास से अपने जीवन को सुखमय बना सकता है।